सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज़ अपडेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक लड़की होती है सीक्रेट एडमायरर, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर एक डेडली टर्न लेती है और वो क्या है वो हम इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी का नाम है क्रश। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 out of 10 और रोटन टमेटोज पे 38% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 38%। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं जिसमें छोटा लड़का अपनी फ्रेंड को कहता है कि मैंने एक लड़की को किस किया। ये बात सुनते ही वो लड़की गुस्से से भर जाती है और जेलेसी के मारे उस छोटे लड़के को छत से गिरा देती है, जिससे वो लड़का छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये लड़की कौन होती है और इसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब समय कुछ आगे निकलता है और कुछ सालों बाद हम देखते हैं स्कॉट को। स्कॉट एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट और सॉकर का अच्छा खिलाड़ी भी होता है और वो अपने गेम की वजह से पूरे क्लास में मशहूर होता है। अब ऐसे ही एक दिन गेम जीतने के बाद उसके दोस्त उसे पार्टी में इन्वाइट करते हैं। यहाँ वो अपनी दोस्त जूल्स से भी मिलता है। जूल्स उसे मन ही मन पसंद करती है पर उसे कभी बताती नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तभी उनकी क्लासमेट बेस उसे छुपकर देखती है। दरअसल बेस एक बहुत ही शर्मीली लड़की होती है जो बस अपने आप में ही रहती है, ना ही वो किसी से ज़्यादा बात करती है और ना ही किसी से मिलना पसंद करती थी। पर हाँ, वो भी स्कॉट की दीवानी होती है और उसने अपने घर पर स्कॉट की बहुत सारी फ़ोटोज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स लगाए होते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो भी स्कॉट को चाहती थी। खैर, एक रेस के चलते स्कॉट घायल हो जाता है, उसके घुटने में चोट आई होती है पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कॉट अपने पिता के साथ रहता है और उसका पिता अपने काम के सिलसिलों में उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए ज़्यादातर वो अपने पिता से नाराज़ ही रहता है। वेल, अब अगले सीन में आर्ट की क्लास में स्कॉट पेपर पर कुछ ड्राइंग्स करके उसे बाद में डस्टबिन में फेंक देता है जिसे बेस उठा लेती है। एक्चुअली स्कॉट आर्ट में भी बहुत अच्छा था और ड्राइंग करना उसकी हॉबी थी और इस खूबी के बारे में स्कूल में किसी को भी पता नहीं होता है। आगे उसे अपने लॉकर में अनजान शख्स का एक खत मिलता है जिसमें वो उसे एडमायर कर रहा था और क्योंकि स्कॉट स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था तो उसके लिए बहुत ही आम बात थी और वो इसे इग्नोर कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि बेस एक म्यूज़िक शॉप में काम करती है जहां उसका क्लासमेट जेफरी अक्सर उसे छुपकर देखता था। जैसे बेस चोरी छुपे स्कॉट को एडमायर करती थी वैसे ही जेफ बेस को एडमायर करता था, पर बेस को जेफ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अब अगले कुछ सीन्स में बेस स्कॉट को फॉलो करती हुई दिखती है। उधर जूल्स भी स्कॉट से मिलने आती है और उसके साथ रोमांटिक फीलिंग शेयर करती है, पर इससे पहले बात कुछ आगे बढ़ती स्कॉट उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ ना कि लवर। और जूल्स भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि कोई छुपके से उसका पीछा कर रहा था। अब ये कौन था ये हमें बाद में पता चलेगा। उधर जेफ भी बेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे पेनड्राइव में कुछ फेवरेट सॉन्ग्स डालकर देता है, पर बेस उसे ज़्यादा भाव नहीं देती क्योंकि उसका इंटरेस्ट स्कॉट में होता है। और यहाँ वो बार बार स्कॉट और जूल्स की फेसबुक प्रोफाइल्स देखती रहती है और फाइनली हिम्मत जुटाकर उससे मिलने का फैसला करती है और उसके ड्रॉअर में एक लेटर छोड़ आती है जिसमें जगह और टाइम होता है। अब अगले कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि जैसे स्कॉट पर कोई नज़र रख रहा हो और लगातार उसका पीछा कर रहा हो, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। और अब दूसरी तरफ बेस स्कॉट से मिलने जाती है पर बहुत टाइम वेट करने के बाद भी वहाँ स्कॉट नहीं आता तो वो गुस्से से भर जाती है और जो कपड़े पहनकर उससे मिलने आती है उन्हें जला देती है। अब एक दिन जॉगिंग करते वक्त बेस जानबूझकर स्कॉट से टकरा जाती है और दोनों पहली बार एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं, पर बेस अपने शर्मीलेपन की वजह से स्कॉट से ज़्यादा बातें नहीं कर पाती
और ख्यालों में उसके साथ थिएटर जाने की सोचती है। पर एक्चुअली में स्कॉट जूल्स के साथ थिएटर जाता है और घर आने के बाद रात को सोते वक्त कोई उसके कमरे में आ जाता है जो काफ़ी देर से उसके रूम में ही छुपा था। वो कोई उसका सीक्रेट एडमायरर था जो उसे पाना चाहता था, पर बिना किसी नुकसान पहुंचाए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जूल्स स्कॉट को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसकी खिड़की पर लिखा होता है ही इज़ माइन। पर स्कॉट सोचता है कि शायद जूल्स ने उसके साथ शरारत की है और वो उसने खुद ही लिखा है, और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। और आगे एक कॉफ़ी शॉप में स्कॉट की टीचर मिस ब्राउन उसके साथ फ्लर्ट करती है, जिसके पास ही बैठी बेस देख लेती है और जाते वक्त कुछ ऐसा कह देती है जिससे स्कॉट को अंदाज़ा हो जाता है कि जो अनजान शख्स उसे लेटर लिखता है और जिसने जूल्स की खिड़की पर वो लिखा है वो बेस ही है। वो खुद को उससे दूर रहने के लिए बोलता है लेकिन इससे बेस का दिल टूट जाता है। इस सीन के बाद कोई अनजान शख्स मिसिस ब्राउन पर हमला कर देता है जिससे वह सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, पर हमला करने वाले का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो अनजान शख्स जूल्स के फ़ोन से एक आपत्तिजनक फ़ोटो को शेयर कर देता है जो जूल्स ने खुद ही स्कॉट को सेंड की थी। जब स्कॉट को पता चलता है तो उसका शक बेस पर जाता है। वो उससे पूछने जाता है और उस पर चिल्लाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेफरी बेस को बचाने के लिए आता है और स्कॉट का गुस्सा उस पर निकल जाता है। अब स्कॉट माफ़ी मांगने के लिए जूल्स के पास जाता है, पर जूल्स गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आगे एक पार्टी के दौरान जूल्स बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और बेहोशी की हालत में कमरे में जाकर लेट जाती है। अब यहाँ वही अनजान शख्स जूल्स को मारने की कोशिश करता है और एक तरीके से मार ही देता है, पर लकीली वो बच जाती है और सारी बात स्कॉट को बताती है। तो स्कॉट सोचता है कि ये ज़रूर बेस ने ही किया होगा, तो वो उसे पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कहता है। पर जूल्स कहती है वो उस दौरान बहुत ज़्यादा नशे में थी तो पुलिस उसकी बातों को सच नहीं मानेगी। तो स्कॉट उसे घर पर छोड़ने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, पर रास्ते में अचानक बेस की कोवर्कर एंडी स्कॉट से टकरा जाती है जो साइकिल पर जा रही थी। एंडी को घुटने में काफ़ी चोट आ जाती है और उसकी साइकिल भी टूट जाती है। तो स्कॉट उसे हेल्प करने के लिए उसके घर पर छोड़ने जाता है जहाँ वो उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करता है। पर यहाँ पर एंडी बहुत ही अजीब बिहेव करती है और फिर मौका पाकर उसे बेहोश कर देती है। और अब यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि स्कॉट की सीक्रेट एडमायरर बेस नहीं बल्कि एंडी होती है जो उसे हर जगह फॉलो करती थी। अब यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो जानबूझकर अपने घुटनों को जख्मी करती है ताकि स्कॉट उसे घर पर छोड़ने के लिए आए। वही होती है जिसने स्कॉट की टीचर मिसिस ब्राउन पर हमला किया होता है, वही होती है जो जूल्स के फोटोग्राफ्स वायरल करती है। वो कोई और नहीं बल्कि एंडी ही होती है। उसके लिए स्कॉट को पाना ही एक मकसद बन चुका था और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। तो वो उसे बेहोश करके अपने बेसमेंट में छुपा देती है और कुछ देर बाद स्कॉट को होश आता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एंडी उसे सीढ़ियों से गिरा देती है और उसके जख्मी घुटने को मारती है जिससे वो चिल्ला उठता है। यहाँ एंडी उसे बेहोशी का एक और इंजेक्शन लगा देती है। और उधर दूसरी तरफ जेफरी फिर से बेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर बेस कहती है कि वो सिर्फ एक शर्त पर दोस्ती करेगी कि वो उसका पीछा नहीं करेगा, और जेफ मान जाता है। अब अगली सुबह एंडी म्यूजिक शॉप में कुछ सामान लेने के लिए जाती है और यहाँ बेस पहले से ही मौजूद होती है, तो वो आपस में कुछ फीलिंग्स शेयर करते हैं। और एंडी बेस से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं घर पर ही मिलूँगी, और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ एंडी तैयार होकर स्कॉट से मिलने जाती है जिसे अब होश आ चुका था, कि तभी एंडी का बॉस डेविड वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअली डेविड एंडी को बहुत पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था, पर एंडी के इरादे तो कुछ और ही होते हैं और वो डेविड का खून कर देती है। और फिर खून से सना हुआ चाकू लेकर वो स्कॉट के पास जाती है और उसे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए कहती है, और क्योंकि वो स्कॉट की सीक्रेट एडमायरर थी तो उसे इस बात का पता था कि स्कॉट की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, तो
तो वो उसे फोर्स करती है उसकी ड्राइंग बनाने के लिए, पर स्कॉट मना कर देता है और दोबारा वहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करता है। तो एंडी उससे एक डील करती है कि अगर वो उसकी ड्राइंग बनाए तो वो उसे जाने देगी। तो स्कॉट इसी बात को लेकर ड्राइंग बनाने के लिए मान जाता है। और इधर दूसरी तरफ बेस को ये समझ में आ जाता है कि स्कॉट उसके बस का नहीं है और वो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ को जला देती है, जैसे फ़ोटोज़, न्यूज़ आर्टिकल्स, और फाइनली उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में से भी हटा देती है। अब क्योंकि उसका दिल टूटा होता है तो वो अपना दर्द शेयर करने के लिए एंडी के पास जाती है, और जेफ भी उसे छुप कर देख रहा होता है और इसीलिए वो भी एंडी के घर पहुँचता है। अब इधर कुछ ही देर में एंडी स्कॉट की तस्वीर बना देता है, पर एंडी का इससे दिल नहीं भरता और वो उसे फाड़ देती है और उसे दोबारा बनाने के लिए कहती है। लेकिन मौका देकर स्कॉट उस पेंसिल को एंडी के पैर में घुसा देता है और उसे बेहोश कर देता है। इतने में बेस भी वहाँ पर आ जाती है और स्कॉट की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने लगती है, पर तभी वहाँ पर एंडी भी आ जाती है और स्कॉट पर हमला करने वाली होती है कि तभी जेफ भी वहीं पर आ जाता है और एंडी को रोक लेता है, और झड़प के दौरान जेफ एंडी को लात मारकर बेसमेंट में फेंक देता है और बाहर से वो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। अब यहाँ मूवी कट हो जाती है और हम देखते हैं जेफ और बेस को, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद हम जूल्स और स्कॉट को भी देखते हैं, जो कि अब फिर से रिलेशनशिप में आ चुके थे। उसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, और एक आदमी के द्वारा ये बताया जाता है कि उसने अब तक क्या क्या गुनाह किए हैं, कितने खून और कितने लोगों को चोट पहुंचाई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो लड़की हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी वो लड़की एंडी ही होती है, यानी वो बचपन से ही ऐसी थी, साइको टाइप की। और बस ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रश मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।